सेना की वर्दी लेकिन सैनिक नहीं। दिल्ली पुलिस के साथ आर्मी यूनिफॉर्म में वो कौन थे? सेना की वर्दी पहने ये लोग दिल्ली पुलिस के साथ जाफराबाद इलाके में दिखाई दिए थे, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ये लोग सेना के नहीं हैं। 23 फरवरी को समाचार एजेंसी ANI ने 1 मिनट 4 सेकंड का वीडियो ट्वीट किया, जिसमें बड़ी संख्या में जवान आर्मी यूनिफॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। ANI ने लिखा, दिल्ली के जाफराबाद इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शनकारी मेट्रो स्टेशन के पास प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अब खुद सेना ने सफाई दी है कि जो लोग आर्मी की वर्दी में दिख रहे हैं वो सैनिक नहीं हैं। सेना ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा, ये साफ किया जाता है कि भारतीय सेना को आंतरिक सुरक्षा के लिए तैनात नहीं किया गया था। ऐसे में अब सवाल उठता है कि दिल्ली पुलिस के साथ सेना की वर्दी में कौन लोग थे? क्या दिल्ली पुलिस ने सेना की वर्दी पहन रखी थी? क्या अर्धसैनिक बल सेना की वर्दी पहने हुए थे? अगर हाँ तो उन्हें अपनी वर्दी छोड़कर सेना की वर्दी पहनने की क्या जरूरत थी? या फिर सेना की वर्दी में पुलिस के साथ दंगाई घूम रहे थे? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब दिल्ली पुलिस को देना चाहिए। आपको बता दें कि सेना के नियमों के मुताबिक किसी भी राज्य की पुलिस या अर्धसैनिक बल सेना की यूनिफॉर्म नहीं पहन सकते। ऐसा करना कानूनन अपराध है। समाचार एजेंसी ANI का तो ये भी कहना है कि सेना के सूत्रों के मुताबिक सेना इस बारे में जांच कर रही है, लेकिन इन तस्वीरों ने राजधानी की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द शूद्र। जरूरी सूचना, द शूद्र के सभी दर्शकों से अपील है कि आप हमारे नए YouTube चैनल द रिपोर्ट इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि द शूद्र को बंद करने के लिए मनुवादी साजिश रच रहे हैं। द रिपोर्ट इंडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें द शूद्र, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।